दमोह के जिला अस्पताल में अचानक हंगामे के हालात बन गए और इन हालातों के पीछे की वजह जिला अस्पताल में एक मरीज की मौत कारण थी। गुस्साए परिजनों ने पहले ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ के साथ मारपीट की और फिर तोड़फोड़ के बाद सड़क पर जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, अस्पताल चौकी के एक पुलिसकर्मी के साथ भी मारपीट कर दी। इसके अलावा गणेश प्रतिमाओं को रोककर इलाके के विधायक और सूबे के वित्त मंत्री जयंत मलैया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल दमोह में गणेश विसर्जन का चल समारोह चल रहा था, इसी बीच एक वाल्मीकि समाज के युवक ने कीटनाशक पी लिया। परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर उस वक्त दूसरे मरीजों को देखने के लिए राउंड पर थे और जब तक डॉक्टर पीड़ित युवक के पास आते तब तक देर हो चुकी थी और पीड़ित ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने देखते ही देखते हंगामा खड़ा कर दिया। हालात यही सामान्य नहीं हुए, बल्कि जिला अस्पताल के सामने की सड़क पर लोगों ने जाम लगा लिया और यहां से विसर्जन के लिए निकलने वाली गणेश प्रतिमाओं का रास्ता रोक लिया। लोगों का आरोप है कि जहर पीने वाले युवक को लोग समय पर अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखा तक नहीं और उसकी मौत हो गई। यहाँ लेकर आए, डॉक्टर नहीं मिला, ऊपर ले गए, सिस्टर ने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ। मैं कुछ नहीं कर सकती, डॉक्टर को बुलाने आए, डॉक्टर का चैम्बर खाली, कोई डॉक्टर नहीं आया। बड़ी मुश्किल में डॉक्टर कहाँ, कहीं और बैठा था, सिस्टर लेके आए और डॉक्टर ने बोल दिया कि वो कुछ नहीं बचा। क्या नाम है आपके भाई का, क्या हो गया, क्या हो गया था? कुछ अभी रात में कुछ खा लिया। आप कौन है उनके? बड़े भाई है। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि कुछ नहीं बचा। डॉक्टर ने कुछ देखा ना, कुछ वही इस हंगामे में ड्यूटी डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद जिला अस्पताल के तमाम डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो एक घंटे के भीतर इलाज ना मिल पाने के कारण एक महिला ने भी दम तोड़ दिया। ये महिला एक सड़क हादसे के बाद जिला अस्पताल लाई गई थी और डॉक्टर हड़ताल पर थे, लिहाजा महिला को इलाज नहीं मिला और उसने दम तोड़ दिया। पूरे मामले के सामने आने के बाद डॉक्टर हड़ताल पर हैं। वहीं पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। ये पेशेंट आया था, मरणासन अवस्था में था, हार्ट बीट्स नहीं थी, रेस्पिरेशन नहीं था, बिल्कुल पेशेंट अनकॉन्शियस था। उसको मैंने चेक किया, तुरंत ही तुरंत इलाज करवाया, गैस्ट्रिक लवाज करवाया और ट्रीटमेंट दिया और कुछ देर बाद ही वो खत्म हो गया। जब मैंने उसे सर्टिफाइड करा कि भाई आपका पेशेंट खत्म हो गया, इतना सुनते ही उनके परिजनों ने मेरे ऊपर हाथापाई चालू कर दी, मेरे को जमीन पे गिरा के मारा, लात भूसे से पिटाई करी, कुछ बचा के मैं उधर से निकल पाया, बच पाया जी। और क्या हुआ, किस किस लोगों ने बचाव किया, किन के साथ और मारपीट की? मेरे साथ आरक्षक यादव जी थे और तीन गार्ड थे, उनकी वजह से मैं बच पाया ना, अन्यथा मेरे को बहुत गहरी चोटें आती हैं। उन्होंने स्टूल वगैरह उठा लिए थे और रॉड वगैरह भी उठा ली थी मेरे को मारने के लिए। अच्छा, आरक्षक के साथ भी मारपीट हुई? हाँ, आरक्षक के साथ भी मारपीट करी। पेशेंट को सल्फर पॉइजनिंग में लाया गया था, जो लगभग मृत अवस्था में ही आया था हमारे पास। हमारे चिकित्सक ने तुरंत देख के उसको ऑक्सीजन लगा के और तुरंत उपचार करने की कोशिश करी और कोशिश नाकाम रही, उसकी मृत्यु हो गई। और इससे लोग क्रोधित होके हमारे चिकित्सक के साथ मारपीट की, वार्ड बॉयों के साथ मारपीट की, अस्पताल में तोड़फोड़ की, हमारे गार्डों को पीटा और एक पुलिसकर्मी शुभनारायण यादव है उसको भी मारा। और इस प्रकार की घटनाओं से हम सभी चिकित्सक आहत हैं। हम निरंतर इस जिला चिकित्सालय में अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, समस्त मरीजों के लिए बहुत अच्छी बेहतर सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के असुरक्षित माहौल में हम लोग कार्य करने में असमर्थ हैं। इसीलिए हम लोग तुरंत अस्पताल से बाहर खड़े हुए हैं और हम अब किसी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे जब तक इन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। नाम का करीब 30 साल का लड़का जो जहर खा के यहाँ हॉस्पिटल आया था, तो हमारे यहाँ कांस्टेबल को जो सूचना मिली तो कांस्टेबल ने डॉक्टर साहब जो ड्यूटी में थे वो दूसरी जगह पेशेंट को देख रहे थे तो उनको बुलाने गए थे। इतने में ये जो मृतक परिवार के साथ में थे, क्योंकि वो वार्ड बॉय ने देखा कि मृत अवस्था में है, तो ये लोग आवेशित होकर उदमबाजी करने लगे, क्योंकि इनके साथ 12-15-20 लोग थे। इतने में हमें सूचना मिली तो हम यहाँ आ गए हैं, क्योंकि वो मृत अवस्था में था। फिर ये मिशन हॉस्पिटल ले गए थे तो बाद में डेड बॉडी के यहाँ शिफ्ट करवा दिया है और जिसमें जो भी आवेदन प्राप्त होगा उसकी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सर, मारपीट और तोड़फोड़ भी की हुई है अस्पताल में क्या? हाँ, हॉस्पिटल में अभी कांच टूटा हुआ है, तो संभवतः ये मृतक परिवार ने आवेश में आके तोड़ा है। नहीं, आरक्षक के साथ कोई मारपीट नहीं। सर, डॉक्टर के साथ? ना, डॉक्टर के साथ अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जब से आए हैं।
रहा था। वो क्या है ओरिजिनल घटना बता दे दी पूरी। दमोह से शांतनु भारत की रिपोर्ट।